जा रही यामाहा आरएक्स। भाई आवाज देख रहे हो, आवाज क्या करूंगा मैं जिंदगी में, मॉडिफिकेशन ही इनका काम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल हो रहा है मेरे लिए। आज करने जा रहा हूँ इसका रिंग लाइट इंस्टॉल। ये देख सकते हो आप, मेरे पास रिंग लाइट है। यहाँ पे मैंने मंगवा लिया था फ्लिपकार्ट से। कितने का पड़ा और कितने का इंस्टॉल होगा वो सारी चीज़ें जितना भी होगा मैं बता दूंगा। एंड सबसे पहले बाइक को कर देता हूँ एक बार कॉल स्टार्ट, क्योंकि इंजन गर्म होने के बाद ही चलाने का मज़ा है भाई। तो इसको कर दिया स्टार्ट, अब मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स एक बार, एंड उसके बाद चलते हैं सीधा इसको लगवाने के लिए। और हेयर इस कवर इसका फ्लिपकार्ट वालों ने क्या भेजा भाई। ऑलराइट गाइस, इसमें है रिंग लाइट, तो इसको करेंगे वहीं पे अनबॉक्स या जैसे भी होगा। और रेड कलर के मंगवाए मैंने, ब्लैक में रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इस वजह से सीन कुछ ऐसा है। और सीधा चलते हैं वहीं पे, लगवाते हैं, इंस्टॉल करते हैं इसको। और मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए, एंड मैंने बोला था गाइस डेडिकेट वीडियो बना दूंगा एक, दैट्स व्हाई। चलो कोल्ड स्टार्ट भी कहाँ, मतलब इतनी जल्दी इंजन तो गर्म होता नहीं है वैसे बाय द वे, बट जैसा भी है इसके इंजन से खेलने में मज़ा आता है। ये जा रही यामाहा आरएक्स। भाई इसकी आवाज़ 100 cc में ऐसी आवाज़, भाई अब बाइक कोई देता ही नहीं है। मुझे पर्सनली बहुत मस्त लगती है यार इसकी आवाज़। और एक बार पहले भी मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था उस टाइम पे, आरएक्स ही चल रहा था आगे, भाई इतनी तगड़ी पिकअप है ना इसकी, फुल थ्रोटल दे दिया था मैंने इसका, एंड फिर भी मैं अच्छे से पकड़ नहीं पाया। ये देख पा रहे हो आप, बेरा रोड पहुंच चुका हूँ मैं, और सीधा चलते हैं उनके दुकान पे ही, उधर उधर से करते हैं। भाई आवाज़ देख रहे हो, आवाज़ आरएक्स की तो आवाज़ ही नहीं आ रही कहीं दूर दूर तक, हालाँकि मैंने सिलेंसर भी निकाल रखा है। रिस्पा जी कैसे भैया, अभी मैं कर देता हूँ इसको अनबॉक्सिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से ओपन करूँ। भाई टेप को खोलना मतलब बहुत जोर चाहिए। भाई आधा घंटा हो गया यार बैठे बैठे, अभी तक ओपन नहीं हो रहा, भाई क्या करूँगा मैं ज़िंदगी में, ख़त्म। सो फाइनली गाइस, मेरे हाथों में इतना जोर है मैंने इसको खोल दिया। एनीहाउ मजाक कर रहा हूँ, दांत से खोलना पड़ेगा यार। और कुछ इस तरह के दिख रहे हैं अपने रिंग लाइट्स, 20 watt का लिखा हुआ था गाइस, बढ़िया होगा यार। कारीगरी देख लो, ये नीचे से ही तार को फिट कर दे रहे हैं भाई। यूजली क्या होता है ना गाइस, यहाँ से जो वाइजर है ना इसको खोलना पड़ता है, और इसमें फिर इजीली ऊपर से कनेक्ट हो जाता है, बट यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, इन्होंने नीचे से ही कर दिया। मैंने तभी बोला था इनको पूरा वो है, एक्सपीरियंस है इस काम का, यही करते रहते हैं, मॉडिफिकेशन ही इनका काम है। तो ये नीचे से ही एडजस्ट करके ये फुल ऑन मस्त लगा देंगे अभी। चलो बढ़िया, ये तो जी जी लाइट्स जो है इंस्टॉल हो चुकी हैं, और देखने में कुछ इस तरह से लग रही हैं अभी के लिए। अभी मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। और बाय द वे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ गाइस, ये BS6 कंप्लाइंट है, तो इस वजह से ना जो इसकी लो बीम वाली लाइट है ना वो जलती रहती है। तो भैया ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, और उन्होंने बोला कि ये वाली लाइट को बंद करवा दो, एंड सभी जो रिंग लाइट्स हैं वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगी। अगर रात में मुझे कोई दिक्कत हुई लाइट की, तो मैं एक हाई बीम वाली लाइट ऑन करूँगा तो दोनों लाइटें जल जाएंगी। इसके लिए क्या करना पड़ा मुझे गाइस, एक प्लग था
और वो प्लग जो स्विच में लगता है वो लेकर आना पड़ा, और उससे क्या है कि तार की कटिंग नहीं हुई और इजीली प्लग लगाने के बाद उन्होंने जैसे भी तैसे करके अटैचमेंट करके ये दोनों लाइटें बंद हो गई हैं। अब जैसे मैं हाई बीम करूँगा ना तभी ये दोनों लाइटें जलेंगी, और अदरवाइज़ ये तभी मैंने रीज़न ये रखा क्योंकि उन्होंने भी गाइड किया था और मुझे भी पर्सनली ये लगता है कि अगर दोनों लाइटें ऑन होती तो शायद से इतना अच्छा ग्रेस नहीं पड़ता इन रिंग लाइट्स का। एनी हाउ गाइस, बिना किसी देर के करते हैं, इतना स्टार्ट और दिखाता हूँ आपको, मैं भी अच्छे से देख नहीं पा रहा अभी तक। तो गाइस इस तरह से दिखती है RS 200, एंड एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि कौन सा काम किया था उन्होंने प्लग वाला। ये देखो गाइस, अभी मैंने गाड़ी ऑन कर दिया है। DS6 का कंप्लेंट होता है ना, उसका जो लो बीम वाला हिस्सा है वो नहीं चलता है, बट यहाँ पे जो स्विच लगवाया था उसकी वजह से ये लाइट नहीं जल रही है और मस्त लग रहा है। अभी मैं आपको हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ एंड उसके बाद देखना गाइस, अभी ये जो दोनों लाइटें हैं ना ये ऑन हो चुकी हैं एंड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है ये। सो ये काम बढ़िया हो गया है, अब चलते हैं थोड़ा आगे को, और आगे को मैं जाकर वीडियो को एंड कर दूँगा। और गाइस इसको लगवाने का जो मुझे खर्चा आया था 650 रुपीज़ जो हुए थे वो रिंग लाइट के थे, एंड 100 रुपीज़ दिया ने लिए, काफ़ी जेन्युइन प्राइस के साथ मुझे डिलीवर किया उन्होंने। ऑलराइट भाई लोगों, इस तरह का था आज कुछ मेरा ब्लॉग, एंड यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ ये खूबसूरत लाइटों के साथ। होप यू लाइक द वीडियो, इफ़ द लाइक मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग विद द ब्यूटीफुल कंटेंट। तब तक के अपना ख्याल रखें, बाय।